अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हफीज़ उल्लाह है। मैं डेली व्लॉगिंग करता था, लेकिन अब मैं ट्रैवल व्लॉग्स पर शिफ्ट हो चुका हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो आई विल बी सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑब्वियसली, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं अपना एनालिसिस कर लूँगा। ऑब्वियसली मेरे एनालिसिस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो भी मेरी क्रिकेट की सेंस है मैं उससे उस पर बात करूंगा। तो ये वीडियो मेरी एक वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप वीडियो है। जो लोग मुझे नहीं देख रहे पहली बार, उनसे हेलो हाय हो जाए। इसमें यार मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे क्रिकेट का शौक कब पड़ा था। जब मैं अराउंड 9 साल का था तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 हुआ था, तो मुझे तब इतना शौक नहीं था। लेकिन जब फाइनल आया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो तब मुझे बहुत शौक पड़ा था अपने वालिद साहब को देख के। तो तब वो दिन थे जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था, तो वालिद साहब ने ये किया था कि हिफ्ज़ के दिनों में उन्होंने टीवी बिल्कुल भी घर पे नहीं रखा हुआ था, ताकि मैं अपने हिफ्ज़ पर, कुरान मजीद पर फोकस कर सकूं। तो मेरा 2004 में फिर कुरान हिफ्ज़ हो गया। तो जब हिफ्ज़ हो गया तो वालिद साहब ने ये देखा कि यार बच्चों को, मैं और मेरा भाई ट्विन्स हैं, तो हम दोनों को मिल के शौक़ पड़ गया क्रिकेट का। घर के पास ही एक दुकान थी जिसपे कलर टीवी था, तो वहाँ जाके जब मुझे क्रिकेट का शौक़ पड़ गया था, मैं जाके मैच देखने लग जाता था और 2-2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते थे। फिर जब घर आता था फिर वालिद साहब से अच्छी खासी मार पड़ती थी। फिर उनको रियलाइज़ हो गया बच्चों को क्रिकेट का शौक़ हो गया, तो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी अरेंज किया और फिर हमने उस पर देखना शुरू कर दिया। तो ये वो दिन थे जब वसीम अकरम और वकार यूनस के आखिरी दिन ही चल रहे थे टीम में। तो नई नई टीम बनी थी, इनके जाने के बाद न्यू प्लेयर्स आए थे। तो तब से मैं पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन हूँ। और दूसरी बात यह है कि खेलता मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन देखने के लिए मैं जुनून की हद तक फॉलो करता हूँ क्रिकेट को। इवन के अब भी मैं टेस्ट मैच को ही नहीं छोड़ता। इवन अब भी किसी भी टीम का अच्छा टेस्ट मैच चल रहा हो तो मैं वो भी देखता हूँ। जो ट्रू क्रिकेट फैन होता है उसकी पहचान यही है कि वो अभी भी इस दौर में भी टेस्ट क्रिकेट ज़रूर फॉलो करता है। सो स्टे ट्यून, आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।